कई दशकों के बाद देश ने एक मजबूत जनादेश दिया है। एक सरकार को दोबारा फिर से लाए हैं, पहले से अधिक शक्ति देकर के लाए हैं। आज के सामान्य वातावरण में भारत जैसी वाइब्रेंट डेमोक्रेसी में हर भारतीय के लिए गौरव करने का विषय है कि हमारा मतदाता कितना जागरूक है, वो अपने से ज्यादा अपने देश को कितना प्यार करता है, अपने से ज्यादा अपने देश के लिए किस प्रकार से वो निर्णय करता है, इस चुनाव में साफ साफ नजर आया है। और इसलिए देश के मतदाता अनेक अनेक अभिनंदन के अधिकारी हैं। मुझे इस बात का संतोष है, हमारी पूरी टीम को संतोष है कि 2014 में जबकि हम पूरी तरह नए थे, देश के लिए भी हम अपरिचित थे, लेकिन उस स्थितियों से बाहर निकलने के लिए देश ने एक प्रयोग के रूप में, चलो भाई जो भी है इनसे तो बचेंगे, और हमें मौका दिया। लेकिन 2019 का जनादेश पूरी तरह कसौटी पर कसने के बाद, हर तराजू पर तोले जाने के बाद, पल पल को जनता जनार्दन ने बड़ी बारीकी से देखा है, परखा है, जांचा है और उससे आधार पर समझा है और तब जाकर के दोबारा भय बिठाया है। ये लोकतंत्र की बहुत बड़ी ताकत है, चाहे जीतने वाला हो हारने वाला हो, चाहे मैदान में था या मैदान के बाहर था, हर किसी के लिए इस विजय को सरकार के 5 साल के कठोर परिश्रम, सरकार के 5 साल का जनता जनार्दन के सुख सुविधा के लिए पूर्ण समर्पण, पूर्ण रूप से सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय इन नीतियों को लागू करने का सफल प्रयास, उसको लोगों ने फिर से एक बार अपना अनुमोदन देकर के देश की सेवा करने के लिए दोबारा बिठाया है। माननीय अध्यक्ष जी, एक व्यक्ति के रूप में जीवन में इससे बड़ा कोई संतोष नहीं होता है जब जनता जनार्दन, जो कि ईश्वर का रूप होती है, वो आपके काम को अनुमोदित करती है। ये सिर्फ चुनाव की जीत और हार आंकड़े उसका खेल नहीं है जी, ये जीवन की उन आस्था का खेल है जहां कमिटमेंट क्या होता है, डेडिकेशन क्या होता है, जनता जनार्दन के लिए जीना, जनता जनार्दन के लिए जूझना, जनता जनार्दन के लिए खपना, ये क्या होता है, ये 5 साल की अखंड एक निष्ठ अविरत तपस्या का जब फल मिलता है तो उसका संतोष एक आध्यात्म की अनुभूति कराता है। और इसलिए कौन हारा कौन जीता इस दायरे में इस चुनाव को देखना मेरे सोच का हिस्सा नहीं हो सकता है, मैं इससे कुछ आगे सोचता हूं। और इसलिए मुझे 130 करोड़ देशवासियों के
उनके सपने, उनकी आशा आकांक्षा ये मेरे नजर में रहती हैं।